बाबू 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखो बाबू, अरे लड़का क्वेश्चन ज़्यादा टॉप नहीं है, बस अरते देखने का तरीका चेंज करना होगा, ठीक है। हाँ सेवन बोला है यहाँ पर, ए बी सी डी एक रॉम्बस है, सो द डायगोनल ए सी सी बाइसेक्ट है। ओ लड़का सिमिलर क्वेश्चन है, 7 को होमवर्क कर दो। हाँ समझा, ए बी सी एक क्या है, ए बी सी डी एक बाबू सुनो, ए बी सी डी एक रॉम्बस है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसका ए बी सी डी, हाँ थोड़ा बिगड़ा अच्छा नहीं बना है ना, बर्फी जैसा, बर्फी देखा है ना, ठीक है चलो ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ए बी सी डी में बोला जो ए सी है ए को सी को बाइसेक्ट करता है एंड डायगोनल बी डी, ओहो कोई बात नहीं है वो लड़का, क्वेश्चन बस कहना यही है ना कि एक रॉम्बस है तो बताना कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, और साथ में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब बताना बाबू इसका क्वेश्चन पहले किए थे नहीं किए थे, ये वाला इसमें पिछला दिया हुआ था, इस बार इसमें रोम्बस बोल दिया तो और अच्छी बात है, रोम्बस हम जानते हैं कि जो बाइसेक है कुछ नहीं, चलो ए लड़का बातें बंद करो, तो रोम्बस कहाँ है ना बताना बाबू, रोम्बस में सभी साइडें क्या होती है आपस में, ए फिर बोले समझ नहीं आया, बताना बाबू ऊपर का ट्रेंगल नीचे का ट्रेंगल देखोगे तो बताना कांग्रेस करना आसान होगा, क्यों ये बराबर ये बराबर और कॉमन, तो बताना ये इसके बराबर सीपी सिटी से, बाबू जब ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों उसका क्या किया बाटा है, यानी बोल सकते हैं कि बी ए सी जो है इस एंगल ए एंगल सी को क्या किया, सम द्विभाजित किया, खत्म। जब इसमें आएंगे तो कौन सा ट्रेंगल देखेंगे, एक ये और एक ये, बताना बाबू ये इसके बराबर है कॉमन, तो सी पी सी टी सी इसके बराबर, तो कह सकते बी डी जो है बी को और डी को क्या किया है, बस लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है ये होमवर्क रखो इसको, हाँ इसको होमवर्क रखो, ठीक है 7 नंबर को ट्रेंगल को बस देखना नजरिए चेंज करना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल विच डायगोनल बी एस सी बाइसेक्ट एज वेल एज एकदम सेम डिटो क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे 8.919 है ना जो फिगर वैसी बनाएंगे लड़का, चलो इसको बता दे रहे हैं, ए बी सी डी एक क्या है, रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस, ए बी सी डी रेक्टेंगल, अरे जो भी है ना, क्या है एक, ए बातें बंद करो, तो देखो अच्छा सुनो हमने कुछ बताया था पहला, जो प्रूफ करना हो उस फिगर वही बनाते हैं, तो प्रूफ हमको करना क्या स्क्वायर, तो फिगर भी क्या बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है हमको प्रूफ करना है स्क्वायर, तो फिगर भी क्या बनाएंगे, हम स्क्वायर ही बना देंगे पहले ही, हमको बस प्रूफ करना है, और बताना बताया था स्क्वायर भी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है नहीं होता, आयत ये भी आयत होता है, अब होता है लेकिन इसमें प्रूफ करना है कि होता है ना, चोर दिख रहा है लेकिन चोर को प्रूफ करना है कि चोरी है किया ये, तुम्हें पता देखो अभी जिस मान लो देखा वो थी हत्याकांड हुआ था, पता नहीं कौन लड़की थी जिसको 14-15 पता नहीं कितना टुकड़ा काटा था, 35 हाँ तो पता ना अभी तक उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ, सोच लो सोचो अभी तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई लड़का काटा है, सोचो सामने है सब कुछ भी है फिर भी साबित नहीं हुआ, कानून अंधा होता है और कानून को प्रूफ चाहिए, ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो उससे टोटल सबूत नहीं मिला है, जो सरकार है मतलब पुलिस वहाँ विभाग है उसको टोटल जितना सबूत चाहिए उसको पकड़ने के लिए, वो कबूल भी कर लेगा ना तो कोर्ट नहीं मानेगा उसको, क्योंकि कोर्ट उस आदमी गवाही नहीं मानता है जो खुद ही मुजरिम हो ना, और कह देगा हम मारे हैं नहीं मानेगा, कुछ भी करो नहीं मानेगा कोर्ट, मतलब तुम्हारा तुम्हें खुद अपने पर मतलब जुर्म लगाने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबूत लेना पड़ेगा, ठीक है सब जेल में होगा लेकिन उसमें मुकदमा दर्ज नहीं है अभी,
है ना। अभी जब तक कार्रवाई चल रहा है तब तक जेल में है, नहीं मिलेगा साबूत फिर छूट जाएगा वो। बाबू इसलिए पुलिस नहीं पीटता है सब दम भर क्योंकि परेशान है। अरे पुलिस को पीटने का आदेश नहीं है बाबू, जानबूझ के पीटता है। क्योंकि देखो अगर मान लोगे कि इसमें परेशान कौन हो रहा है, क्या आफ्ताब हो रहा है, नहीं ना, कौन हो रहा, पुलिस सारा पुलिस का हालत खराब है तो उतना परेशानी का फ्रस्ट्रेशन क्या करता है, पीट के निकालता है वो लोग है ना। हाँ बहुत टॉर्चर किया था, अच्छा नहीं है सभी सब है ना। अरे सबसे बुर्बक बात तो पहली बात कि वो गई ही क्यों उसके साथ, और साथ में ऑनलाइन चैटिंग वाले तो पहले विश्वास मत करो। डेटिंग ऐप पर उसको संपर्क की थी, डेटिंग मतलब क्या, एक लड़का लड़की से मिलते रहता है, पता नहीं कितने लड़कियों से मिला, ये उससे प्यार की चली गई उसके पास काट दिया है ना, जाना ही नहीं चाहिए था है ना। क्यों जाओगे भाई क्यों जाओगे, सिंपल सी बात, आईफोन खरीद लिया होगा उसका चलो यहाँ ध्यान दो। ए लड़का ए हीरो सुनो, एक इसमें बातें कहा है, ए लड़का बातें बंद करो, तो बहुत हो गया बकैती, बोल दिया कि ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, मैंने बाइसेक्ट किया तभी इक्वल है। चलो तो गिव है लिखो तो, हाँ एट नंबर क्वेश्चन है, दिया है यानी गिवेन, दिया है यानी गिवेन, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है ना, मैंने एक आयत है, हाँ एक आयत है, तो आयत का आमने सामने का एंगल क्या होता है आपस में, बराबर होता है, या सभी 90 डिग्री भी होता है ना, बोल सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल, बाबू हम किस आधार पर कह रहे हैं इसको, रेक्टेंगल के आधार पे ए बी सी बनाए, वर्क बना, तो प्रूफ वर्क करना है, बोले जो प्रूफ करना वही बना देंगे है ना, बाद में देखा जाएगा 90 डिग्री। और क्या कह सकते हैं बाबू इस इक्वेशन वन मान लेते हैं, और क्या इसका नाम बाबू, ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, वो तो पैरेलल हो ही जाएगा रेक्टेंगल है तो ठीक है। और हमको देखो कहने के प्रूफ करने के लिए पैरेलोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब अपोजिट साइड बराबर है बस काफ़ी, वही प्रूफ करने के लिए बी सी इज कल टू ए डी, बाबू ये भी कम है क्या चोर से साबित करना, इसको भी साबित करना पड़ेगा तुम्हें कि ये दिख रहा है क्या स्क्वायर है ना, ठीक है चलो। अरे हम वकील हैं यहाँ का, हम यहाँ का वकील हैं, हम साबित करा रहे हैं है ना, तुम लोग अंधा है उसमें वो अंधा हो जाएगा, कौन एग्जामिनर अंधा चलो ठीक है बाबू। देखो कि हमारे पास ये दो बातें किसके द्वारा निकल के आई, कि ये रेक्टेंगल था आयत था, तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री होता है, हाँ ठीक है, हाँ बातें बंद मुंडी लड़ा देंगे तुम लोगों सर, हम लोग का वीडियो उतना क्यों डाल दिया सर, टिकटॉक पे, अरे देखा वो वीडियो से क्या आया मेरे को, हाँ 13K व्यू एक वही वीडियो, फिर 5K वही वीडियो 2K, मतलब पूरा 15K व्यू आया तुम लोग का वीडियो, सोचो कितना वायरल कर रहा तुम लोग सर, जो तुम लोग का छोटा सा वीडियो कितना लेकर आया और 35 सब्सक्राइबर लेकर आया, और सोचो वीडियो कब चल रहा था, रतिया को चल रहा था उतना स्पीड, स्लाइड कर रहे थे 200, स्लाइड कर रहे थे 300, ऐसे व्यू जा रहा था, हाँ बटवा दें, लड़का बटवाए हुए हैं पहले से, चलो ये बातें बंद करो ना,
सोनल बहुत मौज ले रहे हो तुम यहाँ बैठ के ना, समझ तो आ नहीं रहा होगा। सुनो ठीक है, बातें बंद करो, अब मेरा इंक भरा गया, अब मुँह बंद करो ठीक है। तो हमें ये तो मिल गया, हमें प्रूफ करना है स्क्वायर। चलो स्क्वायर का, अच्छा बता ना एक मिनट, और भी तो चीज़ होता नहीं कि क्या होता आपस में, मैंने ये तो नहीं प्रूफ करने बोला है, बोला ए, बोला क्या देखो तो वो लड़का नहीं बोला है, चुपचाप लिख दो। थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी, है ना बाबू। इक्वेशन थ्री यही बन गया हमारा, ए सी बी डी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि डायगोनल जब रेक्टेंगल बोल दिया है तो इतना सारा किससे बन रहा सारा, वही लड़का तुम बना दो तो अब चलो बच्चे बन करो यहाँ पर। हाँ चलो, हमें प्रूफ करना है क्या ये साइड इसके क्या है ठीक है, और डायगोनल पहले से ही क्या होता है बराबर उसके थ्योरम से, बस एक चीज प्रूफ करना है तुम्हें ठीक है। अब चलो टारगेट नहीं, ये 90 डिग्री नहीं होगा, पहली बात देखो होता है स्क्वायर में, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज क्या बोला है, रेक्टेंगल आयत बोला है, और आयत में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता, हम नहीं लेंगे इसको। हाँ हाँ ये भी हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पर चलो तो इसको ये बराबर हो जाएगा आपस में, और ये भी आपस में चलो ये तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, छोड़ो ठीक है सब समान हो जाएंगे। लड़का हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इसके बराबर है, सिमिलरली खींच के गोल आ जाएंगे ठीक है। चलो कैसे प्रूफ करेंगे बाबू यहाँ पर, और वैसे बाबू देखो ना डायगोनल का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा, पूछो क्यों, मैंने सारा नहीं इसमें, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो पहले ही रेक्टेंगल कह देगा, बस हमको साइड बराबर करना है, जो हिसाब लगाओ साइड बराबर कर दो ठीक है। बाबू बताना इस ट्रेंगल में जाएंगे तो ये इसके बराबर है, एक चीज़ बराबर हो गया, एक बराबर कॉमन, और बताना बाबू कि ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, हमें बस प्रूफ करना कि ये इसके बराबर है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा बस यही, नहीं सीबीसीडी कैसे, बस हमें बताना कि ये जो है इसके क्या है, बस एक ही चीज़ प्रूफ करना है। चलो चलो बाबू ध्यान ध्यान दोगे, हम कैसे करेंगे प्रूफ, अब हमारे पास चांसेस लिखोगे हेयर यहाँ, अरे देखो ना बाबू छोटा ठीक है, एंगल ए जो है एंगल सी का क्या है, बराबर है ना बराबर ठीक है, कितना डिग्री है दोनों बाबू आपस में, 90 है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं आधा, तो कितना कितना हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में किस में दिया था बाबू, ये तो पहले ही यहाँ लिख दिए इक्वेशन वन से कह सकते हैं ठीक है, अगर हम इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा, यानी फाइनली लिखोगे हम अगर 1/2 एंगल ए इजकल टू 1/2 एंगल सी, अब बताना ए का वैल्यू तो पता है पहले से, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना क्या लिखेंगे एंगल ए का हाफ, तो हम देखोगे अगर हमको इसको बराबर करना है तो हमें इसको क्या करना होगा बराबर, यानी हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे ये भी लिख सकते हैं, मतलब देखोगे बात कहना ये है कि एक मेरे पास एंगल है ये आधा आधा बांटा है ना, तो बोलोगे बाबू ये आधा हो गया, ये दोनों बराबर है, चाहो तो ये लिख दो चाहो तो ये लिख दो, लेकिन हम इसको यूज करेंगे क्यों, क्योंकि हमको ट्रेंगल में आना है इस ट्रेंगल में, तो हम किसको बराबर करेंगे तो बताना एंगल ए का हाफ हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी, और सी का था क्या लिखेंगे, बी सी ओ या ओ सी बी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी जा सकते थे, हम नीचे आ रहे हैं कोई बात नहीं है। इक्वेशन क्या मान लो इसे 4, चलो अब वो प्रूफ करना है कदम कहानी, किसमें करेंगे तो इन ट्रेंगल किसमें घुस रहा बाबू, ए ओ बी एंड किस में जाएंगे, ट्रेंगल बी ओ सी, इस तीनों में क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको बताना बाबू, यहाँ पर ए ओ इजकल टू ओ सी, क्यू बराबर होगा, हमने तो कहीं प्रूफ किया नहीं है,
कहाँ किए हैं? कहीं नहीं है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? लैंग्वेज लिख दो क्या? डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट कितना? अब क्या सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर ऑफ क्या? रेक्टेंगल। आयत का विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर ऑफ, या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट इच अदर, ऐसे लिख दो है ना। लैंग्वेज सही नहीं लग रहा था, लिख दो यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट इच अदर। ये लैंग्वेज सही लग रहा है ना, बाइसेक्ट इच अदर मतलब आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाबू दूसरा चीज बताना, ओबी ओबी क्या होगा? ओबी ओबी कॉमन हो जाएगा, कॉमन। अब हमारे पास क्या मिला? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, इसके द्वारा किसके? फ्रॉम इक्वेशन फोर। नहीं लिख दो, मान लो टीचर ढूंढने कहाँ जाएगा, कहाँ प्रूफ किए हो, बेचारा मुश्किल से ढूंढ पाएगा वो। तो देयरफॉर साइन देख लिख सकते हैं, ट्रायंगल जो है ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ओ सी बाई किसके द्वारा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जब ये सारी चीज़ हमारा बराबर हो गया तो सो मतलब तब हम यहाँ पर कर देते हैं कि ए बी इजकल टू बी सी, इक्वेशन नंबर 5। ये किसका तरह हुआ बाबू? सी पी सी टी, हाँ तो साइड वाइज तो बराबर करना है, 90 डिग्री तो पहले से है। अब सब कैसे हैं बाबू? अब दोबारा नहीं करना है, क्या करना है? सिमिलरली का वर्ड यूज करो, सिमिलरली मतलब समरूप है ना, सिमिलरली समरूप। चलो बाबू समरूप में क्या क्या चलेंगे? समरूप में हम लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल के एंगल सिंगुलर होगा? एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंस क्या होगा? सी ओ डी, सी ओ डी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा बराबर होगा? बी सी इजकल टू सी डी, सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर 6। फिर ट्रायंगल किस में घुसेंगे अब? सी ओ डी ट्रायंगल किस में? ए ओ डी, ए ओ डी है ना। तो क्या कह सकते हैं उसमें सबसे जो सी डी होगा वो किसके बराबर होगा? ए डी के, ये बराबर इसके। इक्वेशन क्या मानोगे इसको? 7। फिर ट्रायंगल किस में घुस जाएंगे एक बार? बस यही दो को एक लिंकेट करना है। किस में? किस में बाबू? यहाँ पर ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ डी, ये नहीं हुआ है ना। तो हम फाइनली कह सकते हैं यहाँ पर एंड एंड करते जाना बाबू, और लगाते जाना ताकि लगे कि हाँ अलग हो रहा है कुछ काम। ओ साइन छूट गया, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? ए बी इजकल टू ए डी, इक्वेशन नंबर 8। ए बी बी सी ए, ये हाँ ये सी डी सी बी, चलो ए बी ए ओ ए बी, देखो ओ ए बी ये है और इसका नाम है ओ सी बी, ई वाला है। इक्वेशन समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये समान है ना बाबू। किसको किसको देखना होगा? इक्वेशन ठीक है, और एक भी दिखा दो कि 90 डिग्री है और सभी साइड क्या है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 5, 6, 7, 8 जो भी है लिखो। समीकरण 5, 6, 7, 8 लड़का एक भी है,
समीकरण एक भी है, पाँच भी है, छः है, सात है, आठ है, और आठ से सभी कोण 90 डिग्री, सभी भुजाएं बराबर है तथा सभी कोण 90 डिग्री है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। लिखो इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन इतना 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 जो भी है, वन कितना जो भी समथिंग दिया है ना, ठीक है हाँ। लिखोगे ऑल साइड आर इक्वल विथ 90 विथ राइट एंगल इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। समीकरण फोर से है ना, सो ए बी सी डी इज अ, मतलब थोबड़ा दिखा देना, देखिए यही थोबड़ा कहलाएगा किसका, स्क्वायर का। कैसा होता है बाबू, सभी साइड बराबर होते हैं, और इसने 90 डिग्री कहाँ से आया, हम लिखे हैं नहीं, किससे हेल्प लिए हैं, आयत, और आयत तो कहता ही है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। और बाबू हम सब पहले बताए थे जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन जितने आयत होते वर्ग नहीं हो सकते हैं, है ना, कुछ कुछ होगा कुछ कुछ नहीं होगा। और कोई क्वेश्चंस क्या है कि प्रूफ करो लड़का कि एक वर्ग जो है रेक्टेंगल है, एक वर्ग को आयत कैसे प्रूफ करेंगे, तो बस आमने सामने की भुजा बराबर हो, 90 डिग्री हो, खत्म कहानी, वो तो दिख ही रहा है, और 90 डिग्री ठीक है। चलो बाबू इसका दूसरा नंबर क्वेश्चंस, ये तो पहला था ना, इससे जो इक्वेशन लिख रहा पहला को लिख देना बाबू यहाँ पर, इसमें जो लिखना है आंसर क्या लिखना बाबू, पहला क्वेश्चंस का आंसर है ना, नहीं 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 वो उसको ले जाओ उसमें देखते हुए, है ना, ये तो सारा क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन से इक्वेशन देख का आपको बताना है कि कौन सा आंसर है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जो डायगोनल बी डी है, मतलब बी से डी जो है, ओए लड़का बी से डी किसको काट रहा है, बी को डी से काट रहा है। अच्छा बताना, हमने प्रूफ कर दिया स्क्वायर है, जब प्रूफ कर दिया सभी सभी साइड क्या हो गया बराबर, हमको प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ना बाबू, इसको क्या करता है, दो भागों में बांटता, अभी जस्ट होता है वो, नहीं नहीं लम ऐसे मत लिखा करो, ठीक है। तो बताना बाबू कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ध्यान दो बात को, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड है इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सी पी सी टी से काम करेगा, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे पहले, ए बातें बंद करो, यहाँ ध्यान दो, हमने प्रूफ कर दिया कि क्या ये वर्ग है, वर्ग का सभी साइडें क्या होती है, मतलब ये आपस में बराबर है, तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, चलो यहाँ ध्यान दो फिर से बना दें एक ड्राइंग छोटा सा, ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांटती है, अरे ये होमवर्क अभी जस्ट जो पिछला बताया था ना, सेम है, हो जाएगा बोला किसके किससे, बताना बाबू इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर होगा बाबू, सब बराबर तो बराबर करो ना, ये इसके बराबर है और ये क्या है, सी पी सी टी लगा कर खत्म करो कहानी, और जब बराबर होगा ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो कहेंगे ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांट दिया, तो हाँ 7 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो बताएं एकदम सेम है, डिट्टो। चलो बाबू 9 में चले जा, तो मिटा रहे इसे, ठीक है। 9 नंबर फिगर तो फटाक से अपन ड्रॉ करो, हम जैसे कैसे कर रहे हैं, 9 नंबर कहाँ, ए बी सी डी इधर है, पी क्यू, चलो कोई बात नहीं। हाँ तुम लोग बैठ के लछनिया देखो यहाँ पर, ठीक है समकोण है इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, हाँ हाँ यहाँ पी है क्या, और लड़का पी यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पी है, P और Q, चलो ठीक है।
बस यही अब तुम जो देखो। ओए लड़का पहला बोल दिया बाबू ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगा, क्लियर। फिर बोला पी और क्यू जो टैक्स डायग्नल बी डी पे जो है जो डी पी पी क्यू, चलो अच्छी बात है सब दे दिया है। चलो बाबू लिखो तो गिवेन में 9 नंबर का गिवेन मतलब दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कह सकते हैं बाबू ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए बी है ना, चलो ठीक है सी डी। इस फिगर देखो क्या है, ई साइड उस साइड के बराबर होगा और कौन होगा जो ए डी होगा किसके बराबर होगा, बी सी होगा, क्यों होगा बाबू बाबू इसमें लिख देना अच्छा से, ठीक है क्या लिख देना, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत को विपरीत भुजा क्या होती है बराबर होती है, लिख देना कोने में हाँ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ हम जहाँ मार दे रहे बाबू यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखवाए थे, ठीक है ध्यान देना। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसे इक्वेशन एक मान लेना हाँ। अरे लिखो ना समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजा बराबर होती है। अरे लड़का ये साइन का मतलब पता है ना क्या है चतुर्भुज का, हाँ ये मतलब तुम भी बॉक्स से बना रहे हो, सब मान के चलने वाला मैं तो हाँ ऐसा भुजा डाल देता है, ठीक है। चलो बाबू अगर ये देख लो यहाँ पर समझ आ गया होगा, देखो अब हमें टारगेट देखना है। अरे टारगेट क्या, एक और चीज़ दिया है बाबू डी पी इजकल टू डी पी इजकल टू बी क्यू, ये गिवन है ना दिया है हाँ मतलब इक्वेशन नंबर टू। अरे बहुत ईजी बाबू इसी जी, तभी इसमें कोई चैप्टर भी नहीं था। मतलब यहाँ पर बी डी पी मतलब ई वाला साइड वाला जो है बी क्यू इसका क्या है बराबर है। चलो बाबू पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है 9 का पहला क्वेश्चन है ए पी डी जो ट्रेंगल है ए पी डी, ए पी डी को कॉन्ग्रेंस करना है ट्रेंगल सी क्यू डी को, सी क्यू बी है ना कि डी है सी क्यू बी सी क्यू बी। चलो बाबू कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा देखो ए पी डी, अरे लड़का देखो ई वाला है और ई वाला है बराबर करना है, ये लड़का ही बताना ई साइड वाइज इसका क्या है क्यों समानांतर चतुर्भुज अपोजिट, ये भी लिख सकते हैं ये इसके बराबर है और ये दिया है दो चीज़ बराबर, तीसरा चीज़ बताना तो ये पूरा होल द इसके बराबर, होल थोड़ी ले जाओगे ये जो है इसके बराबर होगा क्यों होगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हाँ ठीक है। चलो बाबू फटाफट मुंडी नीचे लिखो तो हम बना रहे बस यहाँ पर हाँ बाबू दो चीज़ चल जाएगा बी क्यू जो है वो डी पी के बराबर है ये गिवन है लिखना इन ट्रेंगल यहाँ लिखना बाबू छूट गया मेरे से ये दोनों ट्रेंगल का नाम लिख देना त्रिभुज इतना इतना में गिवन है ऊपर से हमारा है ए ए पी डी पहले निचला वाला ना ऊपर वाला है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है समीकरण समीकरण एक से, अगर जिसको समीकरण एक नहीं लिखने आ रहा लिख दो तरीका समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं बराबर होती है ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो कौन सा ए डी पी, ए डी पी जो होगा सी बी क्यू के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है।
ठीक है बाबू, जब तीन चीज़ बराबर हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं, फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया कि जो ट्रायंगल है ए पी डी ट्रायंगल सी क्यू बी बाई साइड साइड एंगल के द्वारा प्रूव्ड, यानी सिद्ध कर दिया गया। नहीं ये सब नहीं बताने वाले मैं, ठीक है। ये तुमको तीन को नहीं दिख रहा है, ये इसके बराबर है एक चीज़ बराबर, ये साइड इसके बराबर है दो चीज़ बराबर, और तीसरा बाबू बताना ये लाइन पैरेलल है ना, जब पैरेललोग्राम है तो लाइन क्या होगा ऊपर नीचे पैरेलल, और ये थर्ड लाइन काट रहा है तो ये एंगल एंगल क्या होगा आपस में, मैंने ये एंगल और ये एंगल। अरे नहीं, यहाँ पे ए पी डी पहले ऊपर का नाम ले रहे हैं, पहले ए डी पी ए डी सब ऊपर का नाम लेते हैं, यहाँ पे काउंट बैठा दिया ऊपर ट्रायंगल पहले लिख, बी क्यू बी क्यू बी क्यू कौन सा ये, हाँ यहाँ पर मैं लिख लो काज लिखोगे, डी पी इज कल टू बी क्यू, ठीक है चल ठीक है। अरे तो कोई बात नहीं है, दोनों चलता है बाबू, बस थोड़ा सा टीचर को थोड़ा सा देखने में, अब बोला बाबू ए पी को सी क्यू से बराबर करो, ये भी खत्म। दूसरा ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू कौन है, ए पी ई साइड इसके बराबर है किसके द्वारा, बाय सी पी सी टी। ए पी ही है बाबू, एगो दुगो तीन गो है ना। सिद्ध कर दिए, हाँ सिद्धि रिद्धि बहुत दिख रहा है, लाल पीला दिखने लगा क्या तुम भी, लाल पीला दिखने लगा क्या तुम भी को, सिद्धि दिख रहा है तुम्हें सिद्धि पे। अरे मजनू बनने का बहुत टाइम है, ये सबसे दूर रहो चल ठीक है। अब बोला ए क्यू बी, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा, ए क्यू बी ए क्यू बी, अच्छा मतलब ई वाला और ई वाला है, ओए लड़का एक चीज बराबर है दो चीज बराबर है, अब तीसरा चीज ढूंढो, ठीक है। अरे ठीक है हम कुछ और दिख रहे हैं, ठीक है ये भी क्या होगा खत्म, नहीं हम कुछ और सोच रहे थे है ना, चल ठीक है तीन चीज़ बराबर है ना हो जाएगा, मतलब कर लो बाबू फटाक से, ये साइड इसके बराबर, दूसरा चीज ये साइड इसके बराबर, और ई एंगल जो यहाँ पर है इसके एंगल के बराबर। हाँ पहले ठीक है, ए बी बराबर सी डी, एक चलो ए बी बराबर सी डी तुम्हारा बात लिख रहे हैं ठीक है, और बी क्यू बराबर पी डी, चलो बी क्यू बराबर पी डी ए बी सही है, ठीक है हाँ हाँ, बी सी डी ए बी क्यू, ए बी क्यू इसका नाम है और उसका नाम सी डी क्यू, सी डी पी ठीक है बाबू, क्यों होगा हम नहीं बताएंगे, यह क्यों बराबर हुआ, यह समीकरण एक ले लो नहीं तो बोल दो क्या दिया। देखो बार बार लंबा नहीं लिख पाते हैं ना, इसलिए हम लंबा लिखवा देते, छोटा सा बार बार यूज करते रहो, अब लिखेगा अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आ रही को लंबा लंबा हो जाएगा है ना। दूसरा यहाँ पर है क्या गिवेन, और ये बोला अल्टरनेट इंटीग्रल है, भुजा बेच के खा गया क्या होगा, ओए लड़के ओए
ये कहीं हर तो ठीक है दो लिख दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, इसलिए तो पहले लिखवा दिए हैं। बस देखने में अच्छा लगना चाहिए और समझ जल्दी आना चाहिए। एक चीज और ए क्यू और सी पी को बराबर करना है, ए क्यू और सी पी। हाँ कर लो। चौथा नंबर क्वेश्चन में ए क्यू इजकल टू सी पी है ना, सी पी सी टी से। बाबू याद रहना, थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है, लिखना होता है कि ये ट्रेंगल बराबर है तो सी पी सी टी से बराबर होगा, इतना लिखना पड़ जाता है कि जो था ये ट्रेंगल इसके कांग्रेंस है तो इसलिए ये बराबर होगा सी पी सी टी से। हाँ हाँ कैचो स्टॉप, क्या बोला, किस में का मैंने किसका पूछ रहे, इसका या इसका? अरे मतलब बोल सकते हैं कि वी प्रूव्ड अबव, मतलब जब दूसरा देखो यहाँ भी हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ भी डायरेक्ट किया था, हम लिख दे रहे बाबू देखो कैसे लिखा जाता है, ठीक है इसको डायरेक्टली मत करो, हम लिखा दे रहे यहाँ पर कि वी प्रूव्ड अबव, हम क्या वो प्रूफ किया है लड़का, हमने क्या प्रूफ किया है, यहाँ लिख देना कि ट्रेंगल जो है ए ए बी क्यू, जो ट्रेंगल ए बी क्यू है वो कांग्रेंस है ट्रेंगल किसका, सी हाँ कहाँ से यहाँ पर सी पी डी, सी पी डी ठीक है, तो हम देयर फोर साइन देख लिख सकते हैं, यही जो लिखा थे खत्म सी पी सी टी। क्या चाहिए पैरेललोग्राम, बस अपोजिट साइड क्या होना चाहिए बराबर। ओए लड़का अभी हमने प्रूफ किया कि ये साइड इसके बराबर था, ये साइड इसके बराबर था, ऐसे नो अब कहाँ बराबर किए उसको ध्यान दो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए देखो इसको कहाँ बराबर किए थे, सी क्यू और ए पी कहीं बराबर किए थे क्या, सी क्यू ए पी ये था इक्वेशन कुछ मान लेना, और यहाँ प्रूफ किया इसको कुछ मान लेना, इस दोनों इक्वेशन को दिखाते हुए हम क्या कहेंगे वो पैरेललोग्राम, क्यों विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाँ प्रोमिकेशन जो मान रहे हो से अपोजिट साइड आर इक्वल दिस क्वाड्रेटरल सो दैट इट इज अ, हाँ बोलो तीन को जो लिखे ना उसका नीचे में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट फोर ना लगाना है ना, लड़का लिखना नहीं है वही जो क्वेश्चन कह रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ट्रेंगल ए क्यू बी है और सी पी डी है कांग्रेंस है, वो लिख दो ए क्यू बी डी सी पी डी यहाँ लिख दो बाबू, अब उतना बस समझा रहे हैं ना, अब हम तुम लोग को धीरे धीरे थोपते जाएंगे, हम नहीं ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पर, खुद के पैर पे खड़ा हो जाओ है ना, उस थ्री फोर मान रहे हो हाँ ये ये ये, अरे हमने ऊपर साबित हम ऊपर साबित कर चुके हैं कि ये वाला ठीक है, हाँ ऑल साइड आर इक्वल ऑफ नहीं सर अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ क्वाड्रेटर क्या जो नाम दिया था लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर था ना, लिखो समीकरण तीन और चार से है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ क्वाड्रेटर क्या है ए पी सी क्यू, सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हाँ ठीक है बात है, मतलब ये हम डायरेक्ट करवा दिए वही तो बोल रहे थे कि हमने ऊपर साबित हम ऊपर साबित कर चुके हैं कि हाँ हम ऊपर साबित कर चुके हैं कि ये अरे ये था ट्रिज मिट गया, तब ये लिख कर फिर लिखेंगे और अच्छा लगेगा दिखने में, त्रिभुज लिख लो यहाँ पे ए बी क्यू और सी पी डी बराबर है कांग्रेस है, हाँ क्या जी, सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। टाइम कितना हो रहा है, ठीक है ऑफ कर दो।
टाइम क्या है? 15:11 किसका किसका अलग हो रहा है? हाँ।